नमस्कार आदाब। हमारी मौजूदगी कटिहार के बाटा चौक के समीप एक चाय दुकान पर है और आपको बता दें लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बता दें बिहार में एनडीए ने भी साफ कर दिया है कि कटिहार से जो उम्मीदवार होंगे वह जदयू के खाते से होंगे। इसी बीच यहां पे लोग बैठे हैं, चाय पीने आए हुए हैं। हम लोगों से जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, जो भी वर्तमान में कार्यकाल गुजरा है, वर्तमान में सांसद थे दुलालचंद गोस्वामी जी, उनका कार्यकाल कितना अच्छा रहा या खराब रहा, लोगों से उनका ओपिनियन को जानने के लिए आए हुए हैं हम। 95% पब्लिक संतुष्ट नहीं है, कोई विकास का काम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कई बार काम किए उन्होंने, कहाँ दिखाई दे रहा है काम, जो काम है तारिक साहब का किया हुआ है। अब क्या चाहते हैं, इंडिया ने भी साफ नहीं किया अभी तक ये किसको उम्मीदवारी दे रही है, क्या कहें? कटिहार का सांसद तारिक अनवर, तारिक अनवर उनके रीजन में ही विकास हुआ है, आगे भी विकास उन्हीं के रीजन में होगा। वो तो ऑलरेडी पहले रह चुके हैं, तो किसी और को मौका मिलना चाहिए ना। कोई वैसा नहीं है, सब जाति का वोट लेने वाला नहीं है, तारिक साहब को छोड़ के कोई आएगा तो अपने जाति का वोट ले सकता है, सब जाति का हिंदू मुस्लिम का वोट एक ही कैंडिडेट है कटिहार में, तारिक अनवर। अच्छा, आज चुनाव जो होना है उस मतदान करने आ जाएंगे आप, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? भाईचारा एकता के लिए, शांति, भाईचारा एकता के लिए, सद्भावना हो बरकरार रहे। चलिए, हमारे कई युवा साथी भी हैं जो चाय पी रहे हैं, हमारे आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, युवा भाई लोग हैं और चाय पीने के लिए आए हैं। आपको बता दें नमाज खत्म हुई है तरावी की और ये लोग चाय पीने। जी, क्या नाम? अफाक अनुल और चांद अंसारी। तो क्या इस बार चुनाव करेंगे आप लोग, मत डालने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि फूट डालो राज करो वाला, ये था अभी चल रहा है डाइवर्ट करो और राज करो, जो धर्म की राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति चल रही है, इससे उठकर हम लोग इस बार वोट करेंगे। अच्छा, जो सांसद थे दुलालचंद गोस्वामी जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा, तो कितना संतुष्ट है उनके कार्यकाल से आप? उनका शायद एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, मीडिया के बंधु हैं आप, कि हमको भी 4 बार जिताइए तो फिर काम की अपेक्षा कीजिए, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या ही बोलना है। मोहम्मद मुमताज अंसारी। इसमें चुनाव जो लोकसभा का मतदान करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, बस। तो क्या लगता है जो जदयू के सांसद थे दुलालचंद गोस्वामी उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? 50% संतुष्ट हैं। तो क्या बदलाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बदलाव तो सभी खोज रहा है, पर बदलाव हो कहाँ रहा है? चाहते हैं कि बदलाव हो। हाँ, होना चाहिए बदलाव। बिहार में कैसा हो सांसद? कैसा हो सांसद? विकास का बात कर सके, जो विकास का काम कर सके, और क्या। तो अभी जो थे दुलालचंद गोस्वामी उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? असल में हम यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहते थे। आपको है यहीं के, लेकिन पटना रहते। वोट तो डालेंगे ना? हाँ, वोट तो डालेंगे। क्या किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे? बेसिक मुद्दा नहीं, बेसिक मुद्दा जो है रोजगार है, विकास है, है ना, और मेडिकल सुविधा है, ये सब पर जो लोगों को जो चाहिए बेसिक मुद्दा उस पर होना चाहिए, और क्या। उसी मुद्दों के लिए तारिक अनवर भी है, ऐसे वही क्यों, कोई और भी हो सकता है उसमें, जैसे कि जो विकास बढ़िया करे, रोजगार में कोई है जो विकास बहुत अच्छा कर सके? विकास अच्छा तारिक अनवर करेगा मेरे नज़र में, वही और भी हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र में तो फिलहाल तो वही काम अच्छा करता है। दुलाल दास खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है। काहे खुश नहीं? खुश नहीं, बहुत ऐसी बात है, बहुत है, वो भी करते हैं जो मेरा विकास करे, ऐसी बात है। आपकी नज़र में बेहतर कौन है? सब है बेहतर, नेता तो सब बेहतर होता है, काम करने वाला नेता होना चाहिए। दुलाल दास खुश है? दुलाल से भी खुश है। काम किए हैं वो? हाँ, काम किए हैं, काम किए हैं, काम किए हैं। परिवर्तन होना चाहिए कि परिवर्तन सब पे होना चाहिए, क्या ना होगा, हर साल नया नया आता है। चाहे दिलचस्प है कि कटिहार का जो सांसद का सहरा कौन पहनता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।